गाइस ने डेरी क्वीन में अपना पर्स भुलाई, मेरा ऑल्डो वाला बैग। अभी मेरा दिल घबरा रहा है चेहरे पे नहीं आ रहा क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, स्ट्रांग हूँ बहुत। यहाँ पे चलान नहीं होता, यहाँ टिकट घर आती है मोटी वाली। मैं आपको बिल्कुल भी इस बात में सपोर्ट नहीं करूंगी। कैमरा बंद करके कर दियो कोई बात नहीं। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिटन। यस, तो आज क्या करने आए हो? क्विक अपडेट देते हैं आपको। अपडेट क्या है? छोटी सी चीज लेने आए। एक्चुअली मुझे मेरा क्या है, अब सर्दियां जा रही हैं, गर्मी आ रही है, तो वर्क वियर लेना है, जैसे कि शूज एंड पैंट्स, शर्ट और वो तो वही है ऑफिस की जो शुरुआत की है इसने की, वही कुछ नहीं छोटा मोटा। तो आपको पता है शैली के साथ ना कभी छोटा मोटा नहीं होता है। शैली के साथ ना मोटा ही खर्चा होता है। बदनाम कितना है, तो जो चीज पसंद आएगी वही लूंगी ना भाई साहब। एक बात सवाल है मेरा, क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज, ऐसी चीज ही क्यों उठाते हो जिसके अंदर मतलब मैं बेहोश होते बच्चा हूँ। कुछ भी मतलब नहीं, तो अभी आपको ना अभी हम घर जाके दिखाएंगे कि क्या क्या लेके आई है, और फिर आप उस पे ना कमेंट करके बताना। मेरी हालत पे मत जाना, आज है फ्राइडे। हाँ। और मैं ऑफिस से आई हूँ अभी, बस ऑफिस से आते ही मुझे लेके निकल पड़े, चल शॉपिंग करा के लाता हूँ, खुद ही बोलते हैं और फिर खुद ही बदनाम कर देते मुझे। मैंने नहीं बोला शॉपिंग करा के लाता हूँ, मैंने बोला कि एक जगह किसी ने मेरे को बताई कि वहाँ जाके शूज देख ले, हो सकता है तेरे को तेरी मनपसंद शूज मिल जाए। तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, पर हम आए मार्क्स, मेरे पीछे दिखा है मार्क्स। हाँ। मार्क्स आए हम, और मैंने यहाँ से लिए शूज और वर्क पैंट्स। सो वो घर जाके दिखाते हैं आपको क्या लिया है। मैंने लिया टिम्बरलैंड के शूज एंड वर्क पैंट्स। ओके, इसमें कारहार्ट में मेरा साइज नहीं मिला, नहीं तो मैं कारहार्ट लेती, मुझे ये दोनों ब्रांड बहुत पसंद है। तो अभी पेट पूजा के लिए हम आए हैं डेरी क्वीन। हाँ, डेरी क्वीन, ठीक है। बाहर भी बैठ सकते हैं, मस्त मौसम है, बड़ी प्यारी धूप है और बड़ी प्यारी हवा भी है। अब बाहर ही बैठते हैं शैली। हाँ, नहीं बैठेगी, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है मुझे तो, ये कह रहे हैं फैशन दिमारी। हाँ, अभी कह रही है मुझे ठंड लग रही है, पर अच्छा मौसम है, गुड वेदर यार, मस्त है। अब यहाँ पे देखो धूप सीधी लग रही है तो ठंड नहीं लग रही, पर जैसे छाव में जाओगे ना तो ठंड लगेगी आपको, क्योंकि हवा ठंडी लगेगी। तो डेरी क्वीन में चलते हैं, छोटा मोटा कुछ खा लेते हैं और फिर निकलते हैं घर। बड़ी क्विक सर्विस है, ऑर्डर देते ही पकड़ा दिया उन्होंने लोग। तो चिकन स्ट्रिप्स और फ्राइज हैं, और बफलो सॉस और बारबेक्यू सॉस एंड पॉप अनलिमिटेड है, और पॉप अनलिमिटेड है, मतलब कितनी बार भी भर के। पर दो से ज्यादा कौन पिएगा, ये तो पियेंगे, इनका गला खराब है, मैं पीऊंगी बस ये एक। वाह, मैं सूखा सूखा खाऊंगा। हम क्या करें, पी लो। चले जी, आ गए हम वापस। वापस तो क्या, तृप्ति नहीं हुई खाके। हाँ यार, मजा नहीं आता, कुछ भी ले लो, मतलब है ही नहीं कुछ खाने के लिए खास कुछ, या तो फिर प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, $100-$150 खर्चो तब। हाँ, खाना खाओ, वो रोज भी पॉसिबल नहीं, वो रोज पॉसिबल नहीं है। अब अपने तो इंडिया में तो हर गली कूचे में कुछ ना कुछ मिल रहा था भाई, छोले भटूरे खा ले, चल चले वो खा ले, क्या कहते हैं टिक्की विक्की खा ले, शाम को निकले मोमोज खा ले, यहाँ नहीं है कुछ भी। रोज खाया भी नहीं जाता है, रोज बाहर नहीं खा सकते। अच्छा, घर में। अच्छा, रोज बाहर नहीं खा सकते। अच्छा, खा सकते। नहीं, 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 सुनो सुनो बेटे, वेट बढ़ा लिया मैंने भी। हाँ। ऐसे ही गोल गोल कद्दू जैसी शक्ल हो गई है मेरी। रोज क्या नहीं कर सकते है? मैं बताता हूँ, इनको सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, उसके अंदर इनको चिकन चाहिए, अंडा चाहिए। परसों खाया पालक चिकन, उससे अगले दिन खाया एग करी, तीसरे दिन कहती मटर आलू चावल बना दूं, मैं कहा हाँ मटर आलू और उसमें भी अंडा। और अभी मेरे को अंदर पूछ रही थी चिकन खाते हुए, घर में चिकन पड़ा हुआ है, कल सुबह ला हुआ, खत्म है अब। तो क्या खाएं, और कुछ है ही नहीं, सब्जी ये लोग खाते ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो ये मत बोलो कि आप रोज एक ही चीज नहीं खा सकते। सब्जी में बस गोभी आ जाती है,
आलू मटर आ जाते हैं, गाड़ी वहाँ गाजर आ जाती है। मैं ना कॉस्को से इस बारी बड़ी अच्छी चीज लाई थी, बीटरूट्स, और ना ऑर्गेनिक बॉइल्ड बीटरूट्स थे वो। अच्छा, बॉबी अप्रूट। तो वो मैं सुबह बना जाती हूँ, ये ना ये आजकल ऐसी मस्ती मारते हैं, मैं सुबह बना जाती हूँ। क्या बना जाती हूँ? बीटरूट किस में डाला ये बताना। चीले बनाते हैं ना चीले, उसका मैं घोल बना के रख देती हूँ, और उसमें सारी सब्जियां जितनी पॉसिबल हो सकता है उतनी सब्जियां डाल देते हैं। बिल्कुल। तो सुबह ये चीला वीला बना देते हैं, बच्चों को खिला देते हैं। घर की तरफ चलते हैं और सर का पेट देख लो। अब तो अंदर खींचने से भी अंदर नहीं हो रहा। राम। लेकिन चल पेट वेट को छोड़, कड़ी चावल बना दे घर जाके। खाना ही सोच रहा था हर टाइम, चलो कड़ी चावल बनाऊंगी मैं आज। आराम आराम से करूंगी काम, मैं जल्दीबाजी में नहीं करूंगी क्योंकि आज फ्राइडे है। आराम से करूंगी। तेरे पे डिपेंड करता है, तू सुबह या तो कड़ी कचौड़ी बना दे या भी कड़ी चावल बना दे। कड़ी कचौड़ी, कड़ी कचौड़ी सिर्फ कोमल भाभी बना सकती है। हमारे पड़ोस में रहते थे ग्रेटर नोएडा में, कोमल भाभी। भाई कड़ी कचौड़ी, कड़ी कचौड़ी मजेदार, दाल की फिलिंग भर के कचौड़ियाँ बनाती हैं, जबरदस्त, और बिना पकौड़े वाली कड़ी। ओए होए, वो कचौड़ी और कड़ी। बाई चांस देख रही हो, सुन रही हो, भाभी पार्सल करवा दो। बहुत याद आती है उस कड़ी और कचौड़ी की, भाभी की, उन सब पड़ोसियों की। बहुत प्यारे लोग। और बजाज भैया ने, दीपक भैया ने जब भी जाना लुधियाना, लुधियाने रहते फीकी मट्टी, फीकी मट्टी, फीकी मट्टियां अचार के साथ, जलंधर से। ओहो, जलंधर से अचार वाली, अचार के साथ खाने वाली फीकी मट्टियां। यार क्या याद दिला रही है यार, जब भी वो जाते थे लेके आते थे। थैंक यू सो मच बजाज साहब, वो नहीं भूल सकते हम, है ना। और हमारे साथ में कीर्ति भाभी, कीर्ति भाभी के बनाए हुए गुड़ वाले पूड़े और हरी चटनी के साथ वो भेजती थी। ओफ वाह, बहुत प्यारा फ्लोर था यार हमारा, बहुत अमेजिंग फ्लोर था हमारा, बड़ा ही प्यारा फ्लोर था, और बहुत अच्छे लोग रहते थे हमारे। हम लोग अभी भी टच में हैं, वैसे ना बात करते हूँ पर एक दूसरे के टच में हैं। मतलब कभी कभार फोन पे बात हो जाती है बजाज साहब से, तो बहुत याद आती है सबकी। चलो बढ़िया है, कभी इंडिया का चक्कर, कभी इंडिया का चक्कर लगेगा तो सबसे मिलने तो जाना ही है। खैर, कहेंगे कि आने से पहले तो मिले नहीं हमसे, तब ना तब कोविड का टाइम था, वो सरप्राइज था कोविड का। हाँ चलो घर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ शॉपिंग घर जाके क्या क्या किया मैंने। हाँ जो बस 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 ठीक है, जिप इट। ओके लेट्स गो। आ गए कॉस्को, तो कॉस्को तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, हम हजारों बार देखा हुआ है, पर बस हम सामान जो लेना है वो तो लेना ही है ना, अब ऐसा तो है नहीं वीडियो बनाने के लिए कॉस्को ना जाए। इसमें डेरी क्वीन में अपना पर्स भुलाई, मेरा ऑल्डो वाला बैग, मेरा वॉलेट भी है उसमें, मेरा सिक्योरिटी का लाइसेंस वगैरह सब है। चलते हैं, वहीं जा रहे हैं, चल के देखते हैं मिलता है कि नहीं, फोन नहीं उठा रहा कोई वहाँ पे, करते हैं देखते हैं जाके। गाइस मेरा बैग मिल गया। थैंक गुडनेस मिल गया। अबे तो मैंने पहले ही बोला था मिल जाएगा यार। हाँ उनके पास अंदर ही था, कह रहा कौन सा है, मैंने कहा ऑल्डो बैग, पकड़ा दिया फटाफट मुझे। चेक करो, खोल के नहीं देखा मैंने, देख ले यार, मतलब पर्स जब अगले ने दे दिया तो क्या। हाँ तो है मेन चीज ना मेरा जो सिक्योरिटी का लाइसेंस और मेरे कार्ड, बहुत कुछ है मेन चीज, मेरे कार्ड है। हाँ, यहाँ तो कार्ड टैप पे चलते हैं, टैप पे चलते हैं, मैंने पहले इनको बोलूंगा टैप बंद करो इसका, कह रहे नहीं चल के देख तो सही मिल जाएगा। शुक्र है मिल गया, थैंक गुडनेस यार, थैंक गुडनेस। सिक्योरिटी लाइसेंस था इसका, हाँ, और लिमिट थी कार्ड में 15,000 की। हाँ चलो जी, क्योंकि ये तो अपना कार्ड यूज करती नहीं है कभी, तो इसकी पूरी लिमिट इंटैक्ट होती है बाय द वे। एवं कुछ भी, बस हर चीज में तुम्हारा यही आ जाता है। अभी मेरा दिल घबरा रहा है, चेहरे पे नहीं आ रहा क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, स्ट्रांग हूँ बहुत। मेरी हालत खराब हो गई, मेरे जैसी पर्स, मैं गया यार मेरा पर्स गया आज। पर्स को छोड़ो, जो उसके अंदर वॉलेट है ना वो मेन चीज है, सिक्योरिटी लाइसेंस, मेरा लाइसेंस वगैरह था। चलो मिल गया, लेट्स गो, लब गया ना, लब गया ने। अच्छा बाय द वे, हम जैसे ये पंजाबी डायलॉग मारते हैं ना, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में हमने वो डायलॉग मारा था, वो मेरी दादी वाला, जो मेरी दादी पाकिस्तान से थी, राइट, चिन्योट से,
तो मेरी दादी ने मेरे को बोला करती थी कई बार इस बात पे कि जितने दी खोती मूड उठे आखुल होती। हाँ। तो शैली ने लास्ट ब्लॉग के अंदर वो मुझे वही डायलॉग मारा था, somebody commented भाई सब मुझ पे नाराज हो गए अपने हस्बैंड को खोती क्यों बोल रहे हो। मैं हस्बैंड को खोती नहीं बोल रही, एक डायलॉग है, एक वो है बेल्ट, बेल्ट नहीं लगाई और नुकसान करा दे मेरा, चलान हो जाएगा, रुक 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 लगा लो, यहाँ पे चलान नहीं होता, यहाँ टिकट घर आती है मोटी वाली। हमारा अभी तक एक ही, हमें अभी तक एक ही टिकट मिली, मत बोल, हमें नहीं बोल रही, नहीं 175 की, 175 की थी, हाँ हाँ 175 की थी, यस घर आया था, 175 कम नहीं होते शैली, घर आया था पोस्ट होके। हाँ और ये भाई एक से ही सीख लिया हमने, हमने सीख लिया, हम तमीज से गाड़ी चलाते हैं। हाँ। चलिए अंत भला तो सब भला, और अब चले कॉस्को। मैं कह रहा हूँ तेरे को पर्स मिल गया, अब अभी अब कुछ दारू वारू पिला दो, गला खराब है, गला खराब है और कोई बात नहीं, सिर्फ इसलिए पता है मेरे गले में ना दर्द, बेकार की बात, गरम मैंने मेरे को गरम पानी पियो, गरम पानी में थोड़ी सी विस्की डाल के पीऊंगा ना डबल असर होगा, बियर पी नहीं सकता मैं ठंडी, ठीक है देखते हैं, है ना, बिकॉज दिस इज अ मेडिसन, सर आप गंदी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल भी इस बात में सपोर्ट नहीं करूंगी। कैमरा बंद करके कर दियो, कोई बात नहीं। चलिए कॉस्को से घर, और आपको दिखाते हैं नजारा मजेदार, नजारा उसको, वैसे मुझे नहीं पता कि इसके कैमरे के अंदर कितना वो जस्टिफाई होगा नहीं होगा, पर ब्यूटीफुल आप देखो, आसमान देखो ऐसा लग रहा है कि नीचे आ रखा है, ब्यूटीफुल और पर्पल हो रखा है, पर्पल, You have to be here. आपको पता ही नहीं चल सकता, इस कैमरे से पता ही नहीं चलेगा, वो बिल्कुल पर्पल हो रखा है ऊपर, you have पर्पल, पिंक, ऑरेंज, सब कलर्स है भाई, वही कह रहा हूँ ना, you have to be here to actually feel it. Beautiful. अब तो ऐसे ही नजारे देखने को मिलेंगे समर जाने, राइट आगे वीकेंड चालू हो गया हमारा, फ्राइडे खत्म हो गया ऑलमोस्ट, और विस्की नहीं लाया, नहीं लाए, महंगी थी। सही में महंगी थी यार, महंगी, कर्कलैंड में वैसे भी ना दो दो लीटर वाली मिलती है, तो वो वैसे $80-$90 कर्कलैंड कह रही हूँ, कॉस्को लिकर स्टोर कर्कलैंड ब्रांड जो है, सिंगल मॉल्ट देखी हमने वहाँ पर, सिंगल मॉल्ट $80 की थी, तो उसने लेडी जो लड़की वहाँ पे काम करती है उसने बोला कि अभी मत लो, कल आना, कल ये सेल पे लगेगी, तो $10 और ऑफ हो जाएंगे इसमें से, मैंने कहा मैं 70 दिल में सोचा 70 की तो मैं तब भी नहीं लूंगा, तब भी नहीं पी ली, इतने पैसे मैं अपने वाले स्टोर से ही ले लेना, तो अब हाँ वो फ्री दे देगा वाली भैया ऑफ में मिल जाएगी, वो फ्री दे देगा, नहीं पीनी नहीं विस्की यार, बोतल घर आ गई, पहले मैं पीता तो हूँ नहीं, और अगर बोतल अगर आ गई तो फिर सर का रोज मन करा चल एक पैक बना रहा था, चल फिर वो आदत डालनी नहीं है, नहीं आदत की बात नहीं है, मेरा दिल ही नहीं करता पीने का, विस्की बियर ले आएंगे, चलो आपको हाँ बियर ले आएंगे, अभी बियर के कमाल हो रखा है ये जो बॉस्टन पिज़्ज़ा पे उस दिन बियर पिए, अरे मेरी बात सुन, मतलब बियर में हफ्ते में एक कैन पी लेता हूँ ज्यादा, ये इतना ही दिल करता है, विस्की के मेरे को नहीं लेके आ रही बोतल, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, अब अमित आएगा फिर पियेंगे, अमित के साथ, अमित आप आएंगे तब हम पियेंगे। ये भी बात रही, हाँ ये भी बात रही, मतलब अमित आएगा अमित के साथ पीऊंगा, फिर तो शिवास लेके आएंगे, शिवास ब्लू लेवल जो भी, ब्लू लेवल जो भी है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं सामान क्या क्या लेके आई थी, तो टिम्बरलैंड प्रो शूज लिए हैं मैंने, ये टैक्टिकल शूज हैं, देखो बहुत प्यारा स्टाइल है इसका, टिम्बरलैंड प्रो सॉफ्ट टो एंटी फटीग, ये लिया है मैंने ऑफिस के लिए, और ये शूज़ हमने लिए हैं मार्क्स स्टोर से, और ये है $220 के, और ट्राउज़र्स मैंने ये टिम्बरलैंड की लिए, टिम्बरलैंड प्रो सेम, पर ये बेल्ट इसके साथ नहीं है, ये बेल्ट मैंने लगाई है अपनी, मैंने ट्राई की थी पहन के देखी थी,
तो ये बेल्ट मैंने इसमें अपनी जो मेरी टैक्टिकल बेल्ट है वो मैंने लगाई है इसमें। बहुत ही प्यारा स्टफ़ है इसका, वाटरप्रूफ है और ब्रीदेबल मटेरियल है, बहुत प्यारा है। और ये कार्गो पैंट्स है एक्चुअली मेरे ऑफिस के लिए, सिक्योरिटी में ऐसी पैंट्स चलती हैं कार्गो की, वही सही अच्छी रहती हैं क्योंकि बहुत सारा सामान होता है हमारे पास रखने के लिए, ड्यूटी फ़ोन वगैरह, डबल डबल फ़ोन भी होते हैं, तो सही रहती हैं कार्गो पैंट्स। तो ये पैंट्स हैं वो $125 की विथ टैक्सेस, और शूज़ भी $220 विथ टैक्सेस हैं। तो देख लो ऐसे नुकसान कराती है मेरे, ये नुकसान है कुछ भी मतलब, तुम लेके गए थे मुझे। अबे तो $350 कैद मांगी थी, रिहाई थोड़ी मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई थोड़ी मांगी थी। ए वही ठीक है, ये जरूरत थी, ये तो काला सबकी आदत है मजाक बातें मारने की। $350 ठुकवा दिए, मेरी बातें मारने की आदत है। अब मैं पहनू नहीं, वापस कराओ जाओ। इस चक्कर के अंदर मैंने विस्की की बोतल ले ली वो तो अच्छा हुआ, फिर ये गुड कॉज के लिए लिया गया सामान मजाक करो चलो ठीक है जी, इसी के साथ करते हैं अपना छोटा सा ये व्लॉग एंड। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज, और कमेंट करते रहिएगा। इतने लोग आते हैं देखने के लिए चैनल पे, जो वो डेटा जरा आप दिखा सकते हैं तो इनको दिखाना निकाल के, पर उसमें से आधे से ज्यादा लोग बिना सब्सक्राइब किए जाते हैं यार, आते हो चैनल पे। आधे से ज्यादा नहीं, हाँ मतलब 60-70% लोग बस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी कर दिया करो यार, क्या जाता है। और हाँ आज संजीव जी भी मिले थे ब्लॉक कॉस्को के अंदर, पिछली बारी लोकेश जी मिले, इस बारी संजीव जी मिले, ठीक है। संजीव जी लोकेश जी के ब्रदर इन लॉ है, तो उनको वो आपको पता ही है लोकेश जी कौन है। लोकेश जी हमारे जो हम यूट्यूबर हैं जो हम उनको फॉलो करते हैं इंडिया से, लोकेश गरिमा व्लॉग्स वाले। हाँ लोकेश गरिमा, लोकेश व्लॉग, गरिमा लोकेश व्लॉग्स वाले, ठीक है सॉरी। और उन लोकेश जी के ब्रदर भी मिले, और संजीव जी जो उनके ब्रदर इन लॉ है वो भी मिले। बड़ा अच्छा लगा संजीव जी मिलके, एंड बनाते हैं कुछ जल्दी, कॉस्को ही मीटिंग पॉइंट हो गया हमारा, वैसे मिल लो यार कहीं पे बना लो प्रोग्राम, मिलते हैं। अब तो समर्स आ रहे हैं, बढ़िया सब रहेंगे किसी पार्क में चलो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल, और आए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना प्लीज और बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन एंड योर हस्बैंड मैन and don't trouble your wife, otherwise you'll have a troublesome life, and otherwise also you have a troublesome life, you can see this, so haske guzar lo bhai, haske guzar lo ya roke guzar lo, better haske guzar lo, theek hai okay bye, emotional ho jayenge nahi to ye bye